विरोध कर अरे नारा वाला नहीं लगाओगे यार। चलो हो गए। अरे बिहार नाश दे सलमान भरोसे चल रही है बिहार की सरकार। यहाँ तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को तो हॉस्पिटल में बलात्कार हो रहा है और ये अंधी बहरी सरकार देखने को तैयार नहीं, इसलिए आज इनको जला के हम लोग। आपके नजर में सिर्फ नीतीश चाचा ही मरे हैं कि कोई और भी है? और है, मंगल पांडे जी है। अच्छा, साथ में राजकीय प्रताप रूढ़ी जी भी है। अच्छा, वो लोग भी मर गए हैं। उनका भी अर्थी सज रहा है बगल में। ये मुले चुराए थे। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए इनके नीतीश चाचा देहांत हो गया, जैसा कि इन्होंने बताया। और भी दो अर्थियां यहाँ पे लगाई जा रही है, जिसमें रूढ़ी जी भी है और मंगल पांडे जी भी है। देख सकते हैं कि मंगल पांडे जी का अर्थी यहाँ पे जाके कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, और राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि एम्बुलेंस शोर के बारे में ये बता रहे कि एम्बुलेंस शोर है। देख लीजिए पहले एम्बुलेंस में इतना बदनामी भया। अच्छा, ये भी आत्महत्या ही किए है? दिल्ली से लाश लाया गया है। अच्छा, दिल्ली से लाश लाया गया है। इनको पानी में डाल के छोड़ देना। अच्छा, दिल्ली में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चलेगा अर्थी साइड करने का, एक पानी में चल गया बेचारे खुद। इतनी इनकी बदनामी हो गई कि बेचारे आत्महत्या के लिए बड़ा सरकार को डिस्काउंट दिया है। अरे भाई, सरकार ने तो डिस्काउंट दिया है। नीतीश कुमार ऐसी आर्थिक 500 रुपया बना दिए। अच्छा, और पहला कोई व्यक्ति प्राइवेट में मरता है, इंसान मरता है, ये अर्थी बनाने का 600 रुपया लेते हैं। 100 रुपया नीतीश कुमार के जिनको नाम पर डिस्काउंट मिला। अच्छा अच्छा, हम उनसे ही बात करेंगे कि डिस्काउंट इनके दल वाले पूछे न, इनको चाहने वाला पूछा। जिस तरह से इस बिहार को अनाथ इन्होंने छोड़ दिया था, और इनकी अनाथ छोड़ने के बाद हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी सबका देखभाल कर रहे थे, और ये तीनों ये तो बिल्कुल नाकामयाब। ये मृत मंत्री है, देखिए लिखा होगा मृत मंत्री, और ये ध्वस्त सरकार है, और ये चोर सांसद है, और ये मृत ध्वस्त चोर का खुद ये लोगों ने आत्महत्या कर लिया। और आत्महत्या करने के बाद जब इनके परिजन नहीं आए, तो हम सभी तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, हमारे पार्टी के प्रभारी पूर्व विधायक भाई दिनेश, राजू दानवीर जो हमारे पार्टी के जुआ के साथी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू, हमारी महिला बहने तमाम यहाँ मौजूद हैं, रानी चौबे जी भी आ गई हैं जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, हमारी सोनी जी, सब लोग। चूंकि ये महिला इसलिए घाट पहुंची है कि आज आपने देखा होगा कि एक ऐसी बेटी जो अपनी माँ को अकेले लाश इसी घाट पर लेकर के आई थी, इसलिए इनके भी घर में रोने धोने वाला कोई नहीं है। ये जो लोग मरे हैं इनको भी देख रेख करने के लिए ये हमारी तमाम महिला कार्यकर्ता नेता प्रदेश के सब लोग आए हैं, तमाम युवा साथी सब लोग आए हैं। मैं सबका नाम करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तमाम इंडिया बंधु, अब इस दाह संस्कार कार्यक्रम ये सरकार का ये मंत्री जो मृत मंत्री रह चुके हैं, ये चोर सांसद एम्बुलेंस चुरा करके सिलेंडर चुरा करके दिल्ली में बैठा हुआ है, इन सब लोगों ने अब आत्मगलानी किया और आत्महत्या कर लिए हैं, और हमारी पार्टी इनको दाह संस्कार करने लिए बांसघाट ऐतिहासिक इसी बिहार के लेकर के आई है। आप सभी से निवेदन है, राम नाम, मरने पर गत है।